ये चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको LPP क्यों बोलते हैं? बिकॉज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है, LPP। ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है प्लानिंग। इट हैज नथिंग टू डू विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है? प्रोग्रामिंग का मतलब यहां पे इस चैप्टर में होता है प्लानिंग। तो क्या प्लान करना है अपने को? एक पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस के कॉस्ट को मिनिमाइज करना है या उस प्रोसेस से मिलने वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा। और वो प्लानिंग हम कैसे करेंगे? बाय फॉर्मिंग सर्टन लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। तो लीनियर का मीनिंग भी मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस हम बनाएंगे। वो लीनियर इन इक्वेशंस और इक्वेशंस हमारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। और प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं? फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स इन अ सर्टन प्रोसेस और फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, इसमें और भी दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स तुम्हें दिखेंगे, जहाँ पे प्रॉफिट और कॉस्ट के अलावा दूसरी चीज़ें भी हमें अचीव करनी है। बट ओवरऑल लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि इसमें हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस और इन इक्वेशंस बनाने हैं, विच हेल्प अस एग्जीक्यूट आर प्लानिंग फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोसेस, ठीक है? सो दिस इज ऑल, दिस इज वॉट लीनियर प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला जो टर्म है दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। उस क्वांटिटी के इक्वेशन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर फंक्शन विच इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है? सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ आर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है जो हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रोसेस को डिफाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हमारा आउट वॉट इज द आइडिया बिहाइंड लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है? सो कॉस्ट और प्रॉफिट का जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो एक लीनियर इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के टर्म्स में बनेगा। ओके, फिर आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स
का अगर तुम मीनिंग देखोगे, इट इज नथिंग बट रेगुलेशन। मतलब तुम्हारा जो लीनियर इनइक्वेशन या इक्वेशन होगा किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में, वो किसी एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, हमेशा किसी एक कंडीशन के अंडर होना चाहिए। वो कंडीशन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने वाले लीनियर फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, कंडीशंस अंडर विच ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन इज ऑप्टिमम वैल्यू और ऑप्टिमम यूज ऑफ समथिंग। ऑप्टिमम मीन्स टू द फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट मतलब हमेशा मैक्सिमम नहीं होता है, ऑप्टिमम मतलब टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट, ऐसा। ठीक है, सो ऑप्टिमाइजेशन इज यू कैन से वॉट एवर हैज टू बी अचीव, इट इज टू बी अचीव्ड एट इट्स बेस्ट। ठीक है, सो कंडीशंस अंडर विच दिस ऑप्टिमाइजेशन हैज टू टेक प्लेस, ठीक है, विच अंडर विच ऑप्टिमाइजेशन इज टू बी अकम्प्लिश्ड, कंडीशंस अंडर विच ऑप्टिमाइजेशन इज टू बी अकम्प्लिश्ड आर रिप्रेजेंटेड एज लीनियर इन इक्वेशंस और इक्वेशंस एंड नोन एज कंस्ट्रेंट्स, इनको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कंस्ट्रेंट होता क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स और कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, लीनियर इक्वेशंस और इन इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं एक प्रॉब्लम को, वो पूरा हम लोग समझेंगे। बिकॉज हर एक डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल बी डिफरेंट फॉर ईच डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हें। नाउ दिस फर्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम, ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन? ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन मतलब तुम्हें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाने हैं, यू हैव टू इंक्रीज और ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्शन टू द मैक्सिमम लेवल। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो वो कैसे तुम करोगे, उसके लिए तुम्हें पहले क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसको समझना पड़ेगा, फिर उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, और फिर तुम लीनियर कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को बना सकते हो। ठीक है, सो पहले ये समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2। ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग, 3 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड 4 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, अब देखो यहां पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट बनाना कैसे, मतलब उसके ऊपर क्या प्रोसेसेस करने हैं तुम्हें, दैट इज मोल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग, इसमें हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे रिसोर्स। रिसोर्स भी लिख सकते हैं, प्रोसेस भी लिख सकते हैं। सो एज यू अंडरस्टैंड, रिसोर्स मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा
और प्रोडक्ट मैं फर्स्ट रो में लिखूंगा। प्रोडक्ट दो है मेरे पास, P1 और P2। और रिसोर्सेस या फिर प्रोसेसेस क्या करने हैं इसके ऊपर, एक तो मुझे इसको मोल्डिंग करना है, उसके बाद मुझे इसको ग्राइंडिंग करना है, और उसके बाद लास्ट में इसको पॉलिशिंग करना है। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मेरे पास दो प्रोडक्ट है, और दोनों प्रोडक्ट में, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 एंड P2, दे रिक्वायर 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग, 3 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड 4 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। दिस इज फॉर P1। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 आवर्स फॉर मोल्डिंग, 3 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड 4 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। एंड ईच ऑफ द प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर मोल्डिंग, 2 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट और उसमें उस पे किए जाने वाले प्रोसेसेस का ड्यूरेशन। ठीक है, अब इतना इंफॉर्मेशन यहां तक हमने क्लियरली समझ लिया है। आगे क्या बोल रहे हैं देखो, द फैक्ट्री हैज मोल्डिंग मशीन अवेलेबल फॉर 20 आवर्स। अब मोल्डिंग हो सकता है एक प्रोडक्ट पे, लेकिन मैक्सिमम तुम यूज कर सकते हो मोल्डिंग मशीन को 20 आवर्स के लिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी 20 आवर्स। किसकी कैपेसिटी है? मोल्डिंग मशीन की। ग्राइंडिंग मशीन यू कैन यूज फॉर 24 आवर्स, एंड पॉलिशिंग मशीन यू कैन यूज फॉर ओनली 13 आवर्स। सो दैट इज द कैपेसिटी, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई कैपेसिटी। प्रोडक्ट क्या है और कितना टाइम उसको मोल्ड, ग्राइंड और पॉलिश करना है, दोनों प्रोडक्ट्स को, ये भी हमें पता है। और हर मशीन की कैपेसिटी क्या है वो भी हमें पता है, राइट? द प्रॉफिट इज ₹5 पर यूनिट ऑफ P1 एंड ₹3 पर यूनिट ऑफ P2। मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं P1, तो उस पे मुझे पर यूनिट ₹5 का प्रॉफिट होता है, और P2 पे पर यूनिट ₹3 का प्रॉफिट होता है। एंड द फैक्ट्री कैन सेल ऑल दैट इट प्रोड्यूसेस। मतलब ऐसा कोई वेस्ट या फिर क्या बोलेंगे, रिजेक्शन नहीं है। हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि कोई रिजेक्शन नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे सारे सेलेबल है, दे आर ऑल सेलेबल। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तुम्हें सिर्फ इसको फॉर्मुलेट करना है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, यू जस्ट हैव टू क्रिएट द फॉर्मूला विच आर नेसेसरी यू नो टू अकम्प्लिश दिस टास्क। वॉट इज द टास्क? वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। समझ में आया तुमको? तो ये तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई, और प्रॉफिट हमें समझ में आ गया है कि एक P1 प्रोडक्ट पे ₹5 का प्रॉफिट है, और P2 पे ₹3, एक प्रोडक्ट पे ₹3 का प्रॉफिट है, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। और हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है, और हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सर्टन नंबर ऑफ टाइम चाहिए मोल्डिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के लिए। तो क्या इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे सो दैट आगे इसको सॉल्व करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मुलेट करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझो, इफ यू वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट यू कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल प्रोडक्ट, राइट? यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मीन्स तुम्हें जो तुम्हारी कैपेसिटी है फैक्ट्री पे, मशीन्स की अवेलेबिलिटी की जो कैपेसिटी है, उसको फुल यूज करना है, उसका ऑप्टिमम यूज करना है। तो एक प्रोडक्ट तो बनाओगे नहीं तुम, यू विल मेक एज मेनी प्रोडक्ट्स एज यू कैन, राइट? यू विल मेक एज मेनी प्रोडक्ट्स एज यू कैन। ठीक है, यहां पे देखो, इसको मैं
So let me complete this table and let me mention the profit in rupees. Kitna profit hai P1 pe? 5 aur P2 pe 3. This is my final column, final row, and that is all about it. ठीक है, मैंने क्या बोला तुम्हें कि अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाऊंगा. सो लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. मतलब मैं P1 प्रोडक्ट के एक्स यूनिट्स बनाऊंगा और P2 प्रोडक्ट्स के वाई यूनिट्स बनाऊंगा मैं. ठीक है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए P1 के एक्स प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और P2 के वाई प्रोडक्ट्स बनाऊंगा. ठीक है, लेट जेड डिनोट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ये क्या है, व्हाट इज दिस जेड? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तुम्हें याद है मैंने डेफिनेशन बताई थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की? ये एक ऐसा लीनियर इक्वेशन होता है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है. यहां पे प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो जेड क्या होगा? जेड इज द सिंबल और यू कैन से वन वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, टू डिनोट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं. लेट जेड डिनोट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, देखो अब एक चीज समझो तुम. फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन मैं बनाने वाला हूं. प्रोडक्ट P1 को मिनिमम, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 घंटे मोल्डिंग मशीन यूज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट P2, एक प्रोडक्ट P2 बनाने के लिए 4 घंटे मोल्डिंग मशीन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर मुझे एक्स प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट P1 के एक्स यूनिट्स बनाने हैं, तो मोल्डिंग मशीन कितने घंटे यूज करना पड़ेगा? 2x, राइट? अच्छा, सिर्फ मैं प्रोडक्ट P1 नहीं बना रहा हूं, प्रोडक्ट P2 भी बना रहा हूं, तो मुझे वाई यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट P2 के, और एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो वाई यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 4y. तो टोटल टाइम मोल्डिंग मशीन, टोटल टाइम कितने कितने घंटे के लिए यूज होगा? 2x प्लस 4y. बट दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20. यू सी, दिस इज द लिमिटेशन और दिस इज द कंस्ट्रेंट. अभी कंस्ट्रेंट समझ में आया? ये कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि भाई मोल्डिंग मशीन सिर्फ 20 घंटे के लिए अवेलेबल है. सो ये पहला कंस्ट्रेंट का इन इक्वेशन बना, 2x प्लस 4y इज स्मॉलर देन 20, नंबर वन. रिमेंबर तुम्हारा फॉर्मुलेशन शुरू हो चुका है लीनियर इन इक्वेशन का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का. ठीक है, वो लोग ने वही बोला था. क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, उन्होंने बोला था फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये फॉर्मुलेशन का फर्स्ट स्टेप है. हमने क्या किया, पहले टेबल बना दिया पूरे प्रोसेस को समझने के लिए. उसके बाद मैंने वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए. वेरिएबल किसके लिए सिलेक्ट किए? क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे. तो 2 टाइप के प्रोडक्ट है, इसलिए 2 टाइप के वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए. और फिर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया, और फिर मैं कंस्ट्रेंट को भी नोट करूंगा. वैसे ही ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए क्या होगा? प्रोडक्ट P1 को 3 आवर्स लगते हैं, तो x यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगेंगे? 3x.
और y यूनिट्स के लिए 2y, और ये टोटल टाइम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 24। एंड सिमिलरली पॉलिशिंग के लिए 4x प्लस 2y शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 13। ये तीनों कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशंस। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इससे कम टाइम लगेगा तो चलेगा, ठीक है। बट लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब तुम पूरे 20 घंटे यूज कर सकते हो टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। पूरे 20 घंटे वो मशीन को यूज करो, 1 मिनट भी कम मत यूज करो, क्योंकि अगर तुमने 20 घंटे की कैपेसिटी है एंड इफ यू आर यूजिंग फॉर 15 आवर्स, इसका मतलब क्या है, 5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, उस मशीन की कैपेसिटी तुम फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हो, ऑप्टिमल तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो उसको, ठीक है। सो लेस देन इक्वल टू 20 लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स हो गए तुम्हारे। अच्छा, अब एक्स और वाई का भी एक रिलेशन है, एक्स और वाई की भी एक वैल्यू है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो, हो सकता है ऐसी बात कि अगर मैं सिर्फ एक्स प्रोडक्ट्स बनाऊं, मतलब एक्स यूनिट्स बनाऊं प्रोडक्ट पी वन के, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, और वाई बनाऊं ही नहीं तो चलेगा। अगर वाई बनाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा, उससे अच्छा मैं एक्स बना लेता। समझ में आ रहा है तुमको? तो मतलब दोनों शुड, बोथ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। 0 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। एक्स और वाई के बारे में और एक इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, ये दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस रिगार्डिंग एक्स एंड वाई, ठीक है। सो एक्स एंड वाई बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैंने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात की थी, दैट इज जेड। अब जेड क्या है? जेड इज द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जेड क्या होगा? जेड विल बी द प्रॉफिट विच इज अर्नड ऑन एक्स आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट पी वन। एक आर्टिकल पे 5 रुपीज का प्रॉफिट है, तो एक्स आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट होगा? 5x। प्लस एक आर्टिकल पे 3 रुपीज का प्रॉफिट है, अगर प्रोडक्ट पी टू की बात करता हूं तो वाई आर्टिकल्स पे कितना प्रोडक्ट होगा? 3y। सो दिस इज द टोटल प्रॉफिट, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। ये एलपीपी का फॉर्मुलेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का, जिसमें याद रखो ये क्या है, आई टेल यू। These three are the constraints. ये तीनों क्या है? Constraints है। ये तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिसको नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस मैं यहां पे लिख देता हूं तो तुम्हें याद रहेगा, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। एंड दिस इज द कंप्लीट फॉर्मुलेशन ऑफ एन एलपीपी, दिस इज हाउ यू इमेजिन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करना या सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे सेकेंड पार्ट में, बट पहले ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं जिसमें ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। आई होप सबने ये लिख लिया है एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ डॉल्स, अ बेसिक वर्जन डॉल ए एंड अ डीलक्स वर्जन डॉल बी. ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए. एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2,000 पर डे इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द बेसिक वर्जन. मतलब अगर बेसिक डॉल 2,000 कंपनी बना सकती है तो डीलक्स वर्जन कितने बनाएगी? 1,000, राइट? बिकॉज इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग, यस, टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए. टाइप ए तुम्हारा बेसिक है, टाइप बी डीलक्स है. टाइप बी को डबल टाइम लगता है पर डे. टाइप ए 2,000 बन सकते हैं तो टाइप बी ऑफ कोर्स 1,000 बनेंगे. द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस 1,500 डॉल्स पर डे. ओके, बोथ ए एंड बी कंबाइंड. अब मेरे पास इतना प्लास्टिक का सप्लाई है कि मैं दोनों डॉल मिला के रोज के 1,500 डॉल बना सकता हूं. मतलब मैं कुछ डॉल ए बनाऊंगा, कुछ डॉल बी बनाऊंगा. अगर सिर्फ मैं डॉल बी बनाऊंगा तो 1,000 ही बनेंगे, और सिर्फ डॉल ए बनाऊंगा तो 2,000 बनेंगे. लेकिन दोनों बनाऊंगा तो मैक्सिमम कितना बना सकता हूं मैं? 1,500. ठीक है. डीलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल. ओके, डीलक्स वर्जन में और एक क्वांटिटी एड हो चुका है, दैट इज द फैंसी ड्रेस, और उसके सिर्फ 600 यूनिट्स अवेलेबल पर डे. मतलब 600 यूनिट्स उसके बन सकते हैं. अब डॉल बन गया तो उसके ऊपर ड्रेस भी होना चाहिए, तो ही वो डॉल कंप्लीट होगा. पर डे सिर्फ 600 ड्रेसेस अवेलेबल है किसके? डीलक्स वर्जन के. इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹5 पर डॉल रिस्पेक्टिवली ऑन डॉल ए एंड डॉल बी, हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस पर डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? ठीक है. सो पहले ही हम लोग लिख सकते हैं कि डॉल ए के एक्स यूनिट्स बनेंगे पर डे, लेट्स सपोज दैट, एंड डॉल बी के वाई यूनिट्स बनेंगे पर डे. सबसे पहले तो यही हम लोग लिख सकते हैं. अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा रेडी हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि हमें पता है जेड इज द टोटल प्रॉफिट, जिसको हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं जेड, और डॉल ए पे ₹3 का प्रॉफिट है तो टोटल 3x होगा प्रॉफिट, और डॉल बी पे ₹5 का है मतलब 5y होगा, और इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. ठीक है. अच्छा, और क्या है? नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस क्या है? कि डॉल ए के नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, डॉल बी के भी नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए. ये नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हो गए. अब कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, तो कंस्ट्रेंट्स में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा. देखो, ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए. सो टोटल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एक्स डॉल्स ऑफ टाइप ए एंड वाई डॉल्स ऑफ टाइप बी इज एक्स प्लस 2y. अगर मैं टोटल एक्स डॉल्स और वाई डॉल्स बनाता हूँ टाइप ए और टाइप बी की, तो मुझे कितना टाइम लगता है? टोटल टाइम टू प्रोड्यूस एक्स एंड वाई डॉल्स, ऑफ टाइप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. ठीक है. अब कंपनी मैक्सिमम 2,000 डॉली बना सकती है पर डे, एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मैक्सिमम 2,000 पर डे इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द बेसिक वर्जन, ओनली द बेसिक वर्जन. एक्स प्लस 2y लिखा है मैंने, इसके लिए यहां पे
एक्स प्लस टू वाई इसलिए लिखा है बिकॉज डॉल बी को डॉल ए से डबल टाइम लगता है, तो अगर हम लोग ने एक्स प्लस टू वाई किया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000। लेकिन और एक रिस्ट्रिक्शन दिया है तुम्हें कि द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस ओनली 1500 डॉल्स पर डे बोथ ए एंड बी कंबाइंड, मतलब एक्स प्लस वाई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1500। तुम्हें समझ में आया, एक्स प्लस टू वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2000 बट एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1500। ये टू वाई वाला इन इक्वेशन क्यों बनाया है, बिकॉज हमें ये वाला रिस्ट्रिक्शंस पता है कि ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू प्रोड्यूस वन ऑफ टाइप ए, एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द बेसिक वर्जन। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉल्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ द बेसिक वर्जन इज 2000, बट इफ सम डॉल्स आर मेड फॉर द डीलक्स वर्जन देन इट विल बी लेस देन 2000, सो एक्स प्लस टू वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000। हाँ, लेकिन अगर दोनों डॉल बनानी है हमें कंबाइंड, ठीक है, तो मैक्सिमम 1500 डॉल्स जितना ही प्लास्टिक हमारे पास है, सो एक्स प्लस वाई अगर हमने कंबाइंड नंबर ऑफ डॉल्स देखा तो लेस देन इक्वल टू 1500। ये हो गया सेकेंड कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट फर्स्ट स्टेटमेंट से, सेकेंड कंस्ट्रेंट सेकेंड स्टेटमेंट से। और एक कंस्ट्रेंट है, देखो, डीलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। इसका मतलब है कि जो डीलक्स वर्जन की डॉल है अकेली एक्स सॉरी अकेली वाई, वो तो सिर्फ 600 से कम ही बन सकते हैं पर डे, सिर्फ अगर सिर्फ वाई या सेकेंड नंबर ऑफ और डॉल बी देखे तो सिर्फ 600 से कम बन सकती है वो। ठीक है, एंड और एक कंस्ट्रेंट है, नहीं और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सो ये तीनों कंस्ट्रेंट हमारे रेडी हो चुके हैं। सो इफ यू सी दिस इज नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच हैज टू बी मैक्सिमाइज एंड दीज थ्री आर योर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू फॉर्मुलेट द एलपीपी। चलो और एक देखते हैं क्वेश्चन। अ फर्म कैन प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉथ। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ना तो इसमें कोई कैलकुलस इन्वॉल्व है, ठीक है, ना तो कोई इसमें फॉर्मूला है बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड। ओनली थिंग इज देर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव टू यू नो सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अगर ये तुम कर पाए ना तो तुम इजिली सारी चीजें बना सकते हो। तो जहां जरूरी है वहां टेबल्स बनाओ, जहां पे टेबल जरूरी नहीं है उस जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, तो वहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड वन प्रॉब्लम। अ फर्म कैन प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉथ सी वन सी टू सी थ्री। थ्री काइंड ऑफ वुल आर रिक्वायर्ड फॉर इट, रेड वुल ग्रीन वुल एंड ग्रीन वुल एंड ब्लू वुल। ठीक है, अब देखो तुम्हारे मेजर प्रोडक्ट्स क्या है, वुल है या क्लॉथ है? ऑफकोर्स क्लॉथ है, तीन टाइप के क्लॉथ बनाने, वो क्लॉथ बनाने के लिए हमें वुल चाहिए, तो वुल क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने पहले एक प्रॉब्लम किया था, इफ यू रिमेम्बर हमने क्या लिखा था यहाँ पे, प्रोडक्ट, और उसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा था, रिसोर्सेस। अब प्रोडक्ट है तीन टाइप के क्लॉथ C1 C2 C3, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। रिसोर्सेस इसके लिए क्या है, रेड वुल ग्रीन वुल और ब्लू वुल, रेड वुल ग्रीन वुल ब्लू वुल। अभी तक तो सिर्फ इतना पता है, आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, वन यूनिट ऑफ लेंथ सी वन नीड्स 2 मीटर ऑफ रेड वुल, यहां पे 2 आ जाएगा, 3 मीटर ऑफ ब्लू वुल, एक मिनट, 2 मीटर ऑफ रेड वुल, 3 मीटर ऑफ ब्लू वुल, ओके दैट्स इट, मतलब ग्रीन वुल चाहिए ही नहीं इसको, दैट्स इट, ओके। वन यूनिट ऑफ क्लॉथ सी टू नीड्स 3 मीटर ऑफ रेड वुल, 2 मीटर ऑफ ग्रीन वुल एंड 2 मीटर्स ऑफ ब्लू वुल। राइट, एंड वन यूनिट ऑफ क्लॉथ सी थ्री नीड्स 5 मीटर ऑफ ग्रीन वुल, 5 मीटर ऑफ ग्रीन वुल एंड 4 मीटर ऑफ ब्लू वुल। तो इसको रेड वुल नहीं चाहिए, 0, 5, 4 करेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है आगे, द फर्म हैज ओनली अ स्टॉक ऑफ 16 मीटर्स ऑफ रेड वुल, ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी, जैसे कैपेसिटी लिखा था हमने वो मशीन वाले में, यहां पे अवेलेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। तो रेड वुल कितना अवेलेबल है, 16 मीटर्स, ग्रीन वुल 20 मीटर्स एंड ब्लू वुल 30 मीटर्स, ये तुम्हारी अवेलेबिलिटी हो गई। इट इज अज्यूम्ड दैट द इनकम ऑब्टेन फ्रॉम वन यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ क्लॉथ सी वन इज ₹6। नाउ दिस इज द इनकम, यहां पे हम लोग लिखेंगे इनकम, प्रॉफिट नहीं दिया है, इनकम दिया है, इनकम मतलब जो टर्नओवर होता है, दैट इज नॉट द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज व्हेन यू डिडक्ट योर एक्सपेंसेस, दिस इज जस्ट द इनकम। कितना है, ₹6 ऑन क्लॉथ सी वन, ₹10 फॉर क्लॉथ सी टू एंड ₹8 फॉर क्लॉथ सी थ्री। फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द इनकम, ठीक है, हमें इनकम को मैक्सिमाइज करना है। इनकम मतलब इनकम को हम जेड ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो रेडी हो जाएगा तुम्हारा, जेड क्या है। अच्छा अब देखो, अब एक चीज समझो, एक्स और वाई और जेड, जेड नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि 3 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। इससे पहले हम देख रहे थे तो 2 प्रोडक्ट थे, पी वन पी टू, 2 टाइप की डॉल थी ए और बी, यहाँ पे 3 टाइप के क्लॉथ है। तो हम लोग नंबर ऑफ सॉरी द यूनिट ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ ईच टाइप ऑफ क्लॉथ दैट इज द क्वांटिटी को एक्स वाई और जेड ले सकते हैं। सो लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सी वन सी टू एंड सी थ्री बी एक्स वाई एंड जेड मीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेट मी जस्ट शिफ्ट इट ओवर देयर, ठीक है। लेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ सी वन सी टू एंड सी थ्री बी एक्स वाई एंड जेड मीटर्स रिस्पेक्टिवली। अब हमें इनकम को मैक्सिमाइज करना है, तो यहां पे लोग ने क्या लिया है, ओके वो लोग ने एक्स वाई और जेड नहीं लिया है, दे हैव टेकन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और जेड को जेड ही रखा है। तो ये भी एक चीज है कि जेड जो तुम्हारा सिंबल है उसको तुम चेंज मत करो, एज पर द टेक्स्ट बुक वो लोग ने तो नहीं किया है। सो या वी कैन टेक इट एज एक्स वन वाई वन सॉरी एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री मीटर्स,
एक्स वन मीटर्स, एक्स टू मीटर्स एंड एक्स थ्री मीटर्स, ये हो गए क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ क्लॉथ. सो टोटल इनकम विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड विल बिकम 6x1 प्लस 10x2 प्लस 8x3, और इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज. ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया. अच्छा, अब एक और एक चीज है, दैट इज योर नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज x1 स्मॉलर देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस. अब देखो, अब रेड वुल की बात करते हैं. ठीक है, रेड वुल की अवेलेबिलिटी है टोटल ऑफ 16, राइट? कहाँ पे लिखा है, 16 मीटर्स, मैक्सिमम 16 मीटर्स अवेलेबल है. ठीक है, इसका मतलब है कि 2x1 इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वुल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ ऑफ टाइप x1 बाय यूजिंग रेड वुल. 2x1 प्लस 3x2, ठीक है, प्लस 0x3 लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 16, दिस शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 16, फर्स्ट कंस्ट्रेंट. ठीक है, सिमिलरली 2x2 प्लस 5x3 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 20 एंड लास्ट वन 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 30, शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 30. ठीक है, सो दीज थ्री आर योर रिस्ट्रिक्शंस, और तुम्हारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, बाकी सब हो गया. या दिस इज इट. तो अभी तुम्हें तो आइडिया आ ही गया है कि हाउ टू सॉल्व एलपीपी, मतलब फॉर्मुलेट कैसे करना है. सॉल्व तो हम लोग सीखेंगे आगे, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग ट्राई करो. ठीक है, मैंने तीन क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस किए डिटेल में. अ रिसोर्सफुल होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ लैंप्स, से ए एंड बी. बोथ लैंप्स गो थ्रू टू टेक्नीशियंस, फर्स्ट अ कटर, सेकेंड अ फिनिशर. ठीक है, दो टाइप के लैंप है, दोनों पे दो प्रोसेसेस है, कटिंग एंड फिनिशिंग. लैंप ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ कटर्स टाइम, 1 आवर ऑफ फिनिशिंग फिनिशर्स टाइम. लैंप बी रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ कटर्स एंड 2 आवर्स ऑफ फिनिशर्स टाइम. The cutter has 104 hours and finisher has 76 hours of time available each month. Profit on lamp A is 6 and lamp B is 11. Assuming that he can sell all that he produces, how many of each type of lamp should he manufacture to obtain the best return? The best return, that is maximum profit. Please make the table. If necessary, yeah, it will be. And formulate the whole thing. Come on. I give you 5 minutes to do it. You will be able to do it.